The 100 Dresses Part 2 by Bsor Ester. Question Answers. Question Number 1. What did Mr. Petronsky's letter say? Jo Wanda ke father hai Mr. Petronsky, unke letter mein kya likha hua tha? It said that they had moved to the big city. Usme likha tha ki wo ab ek bade shehar ki taraf shift ho gaye hain. Now Wanda and Jake matlab unke dono bacche Wanda aur uska chota bhai Jake will not come to school. Ab wo school nahi aayenge. Nobody will tease them for their names as many Polish people are in the big city. Ab unko koi bhi unke naam ke liye nahi chilayega kyunki बड़ी जो पॉलिश सिटी है, जो बड़ी अमेरिकन सिटी बोल सकते हैं, जो बड़ी सिटी है अमेरिका में, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पोलैंड से आए हुए हैं, तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एक और पॉलिश वहाँ आ जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. इज मिस मेसन एंग्री और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट. क्या मिस मेसन गुस्सा है या फिर मिस मेसन उदास है और दुखी है. मिस मेसन वॉज अनहैप्पी एंड अपसेट. मिस मेसन बहुत ही उदास थी या फिर कह सकते हैं दुखी थी. एज शी न्यू दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट टीज्ड वांडा इंटेंशनली. क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चों ने जानबूझकर वांडा को नहीं चिढ़ाया था. उनका कोई मकसद नहीं रहा होगा वांडा को चिढ़ाने का, कि वो ज़बरदस्ती जाए और उसे चिढ़ा दें. आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि एवरीथिंग एनीथिंग वुड बी डन इन अ स्टेट ऑफ थॉटलेसनेस. इसका मतलब जो भी बच्चे ने किया होगा वो एक थॉटलेसनेस की स्टेट में क्या होगा, मतलब बिना कुछ सोचे समझे. How does, question number 3, how does Maddie feel after listening to the note from Wanda's letter? Maddie को कैसा लगता है जब वो Wanda के पिताजी का letter सुनती है? Maddie felt very sick after listening to the note. Maddie को बहुत बुरा लगा उस note को सुनने के बाद. She also tried to prepare her lessons but she was unable to focus. उसने पढ़ाई करने की भी कोशिश की क्योंकि first period जो था वो एक study period था, लेकिन वो focus नहीं कर पाई अपने पढ़ाई पर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डज मैडी वांट टू डू. अब मैडी क्या करना चाहती है. मैडी वांट्स टू फाइंड वांडा. मैडी किसको ढूंढना चाहती है, वांडा को ढूंढना चाहती है. क्लाइम बॉगिन्स हाइट. बॉगिन्स हाइट चढ़ना चाहती है. एंड टेल हर दैट शी हैड वन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन. बॉगिन्स हाइट चढ़ना चाहती है मतलब वांडा के घर जाकर उसे ये बताना चाहती है कि उसने ड्राइंग कॉम्पिटिशन जीत लिया है. शी वॉज ऑल्सो वेरी स्मार्ट. वो बहुत स्मार्ट थी. हर ड्रेसेज हर ड्रेसेज वर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वॉज लिखा, आप करेक्ट कर देना. हर ड्रेसेज वर ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल. वांडा की जो ड्रेसेज हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं. डो एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड टू से. आप इसमें डोंट गो टू अ न्यू स्कूल. वो ये भी बोलना चाहती थी कि तुम एक नए स्कूल मत जाओ. वी वुड नॉट टीज यू. अब हम तुम्हें नहीं चिढ़ाएंगे. ये भी मैडी बोलना चाहती थी. एंड स्टैंड फॉर यू. अब हम तुम्हारे लिए बोलेंगे, तुम्हारे हक के लिए बोलेंगे. इफ़ समवन इज डूइंग सो, अगर कोई तुम्हें चिढ़ाएगा तो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट एक्सक्यूजेज डज पेगी थिंक ऑफ हर बिहेवियर एंड व्हाई. पेगी जो है, पेगी ने जैसा बर्ताव करा वांडा के साथ, उसके क्या एक्सक्यूजेज बनाते हैं कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों करा. पेगी थॉट दैट शी हैड नेवर कॉल्ड हर फॉरनर. पेगी ने क्या कहा कि मैंने तो उसे कभी फॉरनर मतलब विदेशी कहा ही नहीं था. और मेड फन ऑफ हर नेम. और ना तो मैंने उसके नाम का मजाक उड़ाया था. शी मेड सच एक्सक्यूजेज एज शी थॉट दैट वांडा वॉज टू डम टू सेंस. सो उसने ऐसे एक्सक्यूजेज इसलिए बनाए क्योंकि उसे लगा कि वांडा बहुत ही बेवकूफ़ लड़की है. और उसे ये भी पता नहीं होगा कि देवर टीजिंग हर. वो उसे चिढ़ा रहे थे. आप ये भी ऐड कर सकते हैं सांस समय. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट आर मैडीज थॉट्स एज दे गो टू बॉगिन्स हाइट. मैडी क्या सोच रही है जब वो बॉगिन्स हाइट जा रहे होते. कौन, मैडी और पेगी जब बॉगिन्स हाइट जा रहे होते तो मैडी क्या सोच रही होती है. आंसर, शी होप्ड दैट दे वुड फाइंड वांडा. वो क्या उम्मीद थी मैडी के मन में कि वो वांडा को ढूंढ ले. दे वुड अपोलोजाइज टू हर. वो उससे माफी मांगेंगे फॉर मॉकिंग हर, उसे चिढ़ाने के लिए. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल हर अबाउट द स्कूल्स पॉजिटिव ओपिनियंस अबाउट हर. वो ये भी बताना चाहते थे कि स्कूल वांडा के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, स्कूल मतलब सारे बच्चे. दे वुड ऑल्सो प्लीड हर नॉट टू लीव स्कूल. वो उससे मतलब प्लीड भी करेंगे, मतलब उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्कूल मत छोड़ो. एंड एवरीबडी वुड बी नाइस टू हर. एंड एवरीबडी नहीं, एवरी वन भी लिख सकते हैं. और सब तुम्हारे साथ अच्छे से रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस. वांडा के घर को देखकर मैडी को वांडा की ब्लू ड्रेस की क्यों याद आ गई. अब क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, द हाउस ऑफ वांडा एंड इट्स स्पार्स लिटिल गार्डन. स्पार्स लिटिल गार्डन मतलब छोटा सा गार्डन. जो घर था वांडा का और जो उसका छोटा सा गार्डन था रिमाइंडेड हर. हर मतलब मैडी. मैडी को किस चीज़ की याद दिलाता था, वांडा की फेडेड ब्लू ड्रेस का. फेडेड ब्लू ड्रेस मतलब जिसका रंग उड़ा हुआ था, ऐसी ब्लू ड्रेस थी. शैबी बट क्लीन. उसका घर क्या था मतलब बहुत पुराना था. शैबी मतलब जो बहुत चीज़ जो होती है जो खराब कंडीशन में चले जाती है. क्यों, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण. लेकिन साफ था वो. ठीक है. What does Maddie think hard about? Maddie बहुत ज़्यादा किस चीज़ के बारे में सोचती है. What important decision does she come to? और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो क्या important फैसला करती है. She thought,
अब आंसर, शी थॉट हार्ड अबाउट वांडा। मैडी किसके बारे में सोच रही थी? वांडा के बारे में सोच रही थी, बहुत गहराई में। हर ब्लू फेडेड ड्रेस, वांडा के ड्रेस के बारे में सोच रही थी। हर लिटिल हाउस, वांडा के छोटे घर में के बारे में सोच रही थी जहाँ वांडा रहती थी। शी ऑल्सो थॉट अबाउट हर 100 ड्रेसेस, और वो वांडा की 100 ड्रेसेस के बारे में भी सोच रही थी। फिर अब बात आती है इंपॉर्टेंट डिसीजन की। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेड बाय हर वॉज, जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैडी ने करा था, जो इम्पॉर्टेंट फैसला मैडी ने लिया था, वो क्या था? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय, वो कभी भी मतलब वो कभी भी चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। एंड से नथिंग अगेन, और कुछ भी, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय मतलब वो कभी भी खड़े रहकर चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी। इफ़ शी हर्ड एनी बडी पिकिंग ऑन समवन, अगर वो किसी को भी दूसरे पर पिक करते मतलब किसी और को चिढ़ाते हुए दिखेगा, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग, क्योंकि वो दिखने में फनी थे, या फिर उनके नाम जो थे वो स्ट्रेंज मतलब अजीब थे। शी वुड नेवर टीज देम एंड स्टैंड बाय देम, वो उन्हें कभी नहीं चिढ़ाएगी और उन्हीं के साथ रहेगी। मतलब जिन जिन भी लोगों को मैडी टीज होते हुए देखेगी तो उनके उनका वो स्टैंड लेगी, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द गर्ल्स रोट टू वांडा, तो जो गर्ल्स हैं मतलब मैडी और पेगी ने कैसे लिखा वांडा को, मतलब क्या लिखा? द गर्ल्स, आंसर, द गर्ल्स रोट अ फ्रेंडली लेटर टू वांडा, उन्होंने एक फ्रेंडली लेटर लिखा, मतलब जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को लिखता है। टेलिंग दैट शी हैड वन द कॉन्टेस्ट, ये बताते हैं कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दे ऑल्सो रोट दैट वेदर शी लाइक द प्लेस, शी ऑल्सो रोट नहीं, शी दे ऑल्सो आस्ट हर इन द लेटर वेदर शी लाइक्ड, ये आप चेंज कर देना प्लीज़। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या उसे जो नई जगह है जहाँ वो रह रही है वो पसंद है कि नहीं है, एंड हर न्यू टीचर्स एज वेल, और ये भी पूछा कि उसके नए टीचर्स कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, डू दे गेट अ रिप्लाई, क्या उन्हें एक रिप्लाई मिलता है वांडा से? हु वॉज मोर एंग्शियस, किसको ज़्यादा दिलचस्पी थी, मतलब किसको ज़्यादा रिप्लाई की जल्दी थी वांडा से, पेगी और मैडी, पेगी को या फिर मैडी को? हाउ डू यू नो, और आपको कैसे पता चलता है? डिड दे गेट अ रिप्लाई, येस दे गॉट अ रिप्लाई आफ्टर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय बाद उन्हें रिप्लाई मिला जब उनका स्कूल खत्म होने वाला था। मैडी वॉज मोर एंग्शियस फॉर अ रिप्लाई, मैडी को ज़्यादा मतलब ज़्यादा दिलचस्पी थी वांडा का रिप्लाई जानने में। मैडी पुट, अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि मैडी को ज़्यादा दिलचस्पी थी? मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वांडा, क्योंकि मैडी कैसे अवॉइड कर रही थी अपने गिल्ट को जो उसके अंदर था, क्योंकि उसने वांडा का साथ नहीं दिया जब पेगी उसे चिढ़ाती थी। वो नींद में क्या देखती थी? स्पीचेस, नींद में खुद को इमेजिन करती थी कि वो वांडा के लिए स्पीचेस बोल रही है, मतलब वांडा को बचा रही है ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स से, मतलब बहुत ज़्यादा लड़कियों से जो वांडा को चिढ़ाने के लिए खड़े हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज़र, उन लड़कियों को मतलब मैडी और पेगी को कैसे पता लगा कि जो वांडा है वो उन्हें पसंद करती थी बावजूद उन्होंने उसे चिढ़ाया था, उनके चिढ़ाने के बावजूद। इन द लेटर, आंसर इसका यह है, इन द लेटर शी रोट अबाउट हैंडिंग ओवर हर ग्रीन ड्रेस, क्योंकि जो वांडा ने लेटर लिखा था, उन्हें रिप्लाई किया था, उसमें उसने लिखा था कि जो ग्रीन ड्रेस वांडा ने बनाई थी वो किसको दे दे? पेगी को। और जो ब्लू ड्रेस बनाई थी वो किसको दे दे? मैडी को। एंड ऑल्सो ड्रू देम वेयरिंग द ड्रेसेस, और उसने उनका हेड भी बनाया हुआ था उन ड्रेसेस को पहने हुए, ठीक है, उस ड्रॉइंग में जो उन्होंने लास्ट में नोटिस किया था स्टोरी के, ठीक है। अब थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव्ड टू अ डिफरेंट सिटी, आपको क्यों लगता है कि वांडा की फैमिली एक नई सिटी में गई? डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम देयर फॉर देयर फैमिली, क्या आपको लगता है कि उनकी फैमिली के लिए वहाँ लाइफ थोड़ी अलग होगी? ड्यू टू द ट्रीटमेंट गिवन बाय अदर्स टू देम, क्योंकि उनकी तरफ उनके प्रति लोगों द्वारा जो व्यवहार किया गया, कहाँ पे? स्मॉल सिटी में जहाँ पे वो मैडी और पेगी के साथ पढ़ती थी, वो बहुत ही खराब था। टीजिंग देम ड्यू टू देयर नेम्स, क्योंकि उनको चिढ़ाया जा रहा था उनके नाम्स की वजह से। दे वुड ऑल्सो कॉल देयर नेम्स फनी, और उनके नाम्स को फनी मतलब अजीब भी कहा जा रहा था, उनके ऊपर हंसा भी जा रहा था। ड्यू टू विच दे फेल्ट बैड, जिसकी वजह से उन्हें बुरा लगा, किनको? वांडा के पिताजी को, कि उनके बच्चे को उनके बच्चों को चिढ़ाया जा रहा है। यस एज सेड बाय हर फादर, हाँ जैसे उसके पिताजी ने बोला था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि उनकी लाइफ जो थी, उनकी जिंदगी जो थी वहाँ पे अलग होगी बड़ी सिटी में जहाँ वो शिफ्ट हो चुके थे? यस, हाँ उनकी जिंदगी अलग होगी, जैसे वांडा के पिताजी ने लेटर में लिखा था दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी टीज्ड, अब उनको चिढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे थे, उन जैसे बहुत सारे थे। अब पॉलिश लोग बहुत सारे थे दूसरी अमेरिकन सिटी में, इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे होते हैं तो वो उन्हें उतने स्ट्रेंज नहीं लगते, अजीब नहीं लगते, ठीक है, फिर उन्हें आदत सी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर उन्हें चिढ़ाया तो जाएगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं चिढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, मैडी थॉट हर साइलेंस वॉज एज बैड एज पेगी टीजिंग, मैडी को लगा कि उसका साइलेंस, उसकी चुप्पी जो थी वो पेगी के चिढ़ाने जितनी ही गलत थी। वॉज शी राइट, क्या वो सही थी? येस yes, हाँ वो सही थी, क्योंकि इफ़ शी वुड हैव स्टॉप्ड पेगी फ्रॉम डूइंग सो, अगर वो पेगी को
रोक देती क्या करने से, वांडा को चिढ़ाने से. शी कुड हैव नो गिल्ट इन हर माइंड, तो उसे कोई भी दुख नहीं होता बाद में कि वो चुप क्यों रही जब पेगी वांडा को चिढ़ा रही थी. शी स्टूड बाय द रॉन्ग, वो गलत के साथ खड़ी रही, एंड नेवर स्टूड फॉर वॉट वॉज राइट, और सही के साथ वो कभी खड़ी नहीं रही. मैडी ये रियलाइज करने के बावजूद कि वो गलत कर रही है, एज हर एंड पेगीज फ्रेंडशिप वॉज हर वीकनेस, क्योंकि उसकी कमजोरी क्या थी, पेगी के साथ दोस्ती उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लेड पेगी टू बिलीव दैट वांडा वाज डम, पेगी को क्यों लगा कि वांडा एक बेवकूफ है. डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, क्या उन्होंने पेगी ने अपना ओपिनियन जो वो सोच है वो बाद में बदली कि नहीं वांडा बेवकूफ नहीं है. तो इसका आंसर है एज शी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट वाई वांडा हैड 100 ड्रेसेस, वाई वांडा हैड सेड. अब पेगी, अब आप इसमें ऐसा ऐड कर सकते हैं, पेगी बिलीव्ड that Wanda was dumb because she could not understand that why Wanda had claimed आप इसमें ऐड कर देना प्लीज, claimed that she had 100 dresses, उसने क्यों क्लेम किया था. आंसर यह है आंसर नंबर 3 थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का. दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आप क्वेश्चन से स्टार्ट करिए. पेगी बिलीव्ड दैट वांडा वॉज डम्ब बिकॉज एज शी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट वाई वांडा हैड हैड के और 100 ड्रेसेस, 100 के बीच में आप लिख दीजिए क्लेम्ड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस. वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वांडा ने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, जबकि वो पूरे दिन पूरे साल मतलब एक ही ड्रेस पहनती थी वो ब्लू कलर की. एज शी न्यू शी वॉज पुअर, पेगी को ये पता था कि वांडा गरीब है, लेकिन वांडा फिर क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, इसलिए पेगी को लगा वो बेवकूफ है. शी इवन केप्ट डिस्क्राइबिंग हर 100 ड्रेसेस, और वो अपनी 100 ड्रेसेस को डिस्क्राइब भी कर रही थी कि एक ड्रेस मेरी ऐसी है वैसी है, तो पेगी को लगा हाँ इसका थोड़ा स्क्रू ढीला है. अब डिड शी चेंज हर ओपिनियन लेटर, क्या पेगी ने अपना तो क्या जो पेगी ने अपना बिलीफ चेंज करा, बिलीफ मतलब ओपिनियन जो मानती थी, क्या मानती थी कि वांडा बेवकूफ है. यस शी फाउंड आउट, हाँ उन्होंने चेंज करा क्योंकि उन्हें पता लगा कि जो 100 ड्रेसेस द अबाउट द 100 ड्रेसेस दैट वाज स्केचेस, तो उन्हें ये पता लगा कि वांडा जिन 100 ड्रेसेस की बात कर रही थी वो उसके 100 स्केचेस थे दैट वांडा ड्र्यू, जो वांडा ने बनाए थे. एंड शी ऑल्सो ड्र्यू देम प्रीटी वेल, और वांडा ने वो बहुत अच्छे भी बनाए थे. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक, मैडी ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो, और मैडी को वो डिसीजन के लिए बहुत हार्ड बहुत गहराई में जाकर क्यों सोचना पड़ा. पहले क्वेश्चन का आंसर, मैडी मेड एन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ स्टैंडिंग फॉर व्हाट वाज राइट, मैडी ने क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, थोड़ा सा इसे आप चेंज करके लिखना क्योंकि इससे सिमिलर क्वेश्चन पहले भी एक बुक में दिया था. ठीक है, मैडी ने यह इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाया कि वो उस सही के साथ खड़ी रहेगी एंड नॉट इवन टीजिंग एनीवन, और वो किसी और को चिढ़ाएगी भी नहीं. शी हैड टू थिंक हार्ड एज शी हैड नेवर स्टूड अप फॉर व्हाट वाज राइट एंड शी हैड गिल्ट विद इन हर, उसको बहुत हार्ड इसलिए सोचना पड़ा क्योंकि पहले कभी उसने सही का साथ देने की सोची ही नहीं थी, वो चुपचाप रहना पसंद करती थी. एंड शी हैड गिल्ट विद इन हर, और उससे हार्ड इसलिए भी सोचना पड़ा क्योंकि उसके अंदर जो था वो गिल्ट था, गिल्ट मतलब दुख था, किस बात का दुख था कि वो वांडा के साथ खड़ी नहीं रह पाई. अब क्वेश्चन नंबर 5 थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का, व्हाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पेगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस, आपको क्यों लगता है कि वांडा ने मैडी और पेगी को ड्रेसेस दी जो ड्राइंग्स की, ग्रीन वाली पेगी को और ब्लू वाली मैडी को क्यों दी, व्हाई आर दे सरप्राइज्ड, और वो सरप्राइज क्यों, वो चौंक क्यों गए. वांडा गेव मैडी एंड पेगी द ड्रॉइंग्स, अब आंसर, वांडा गेव मैडी एंड पेगी द ड्रॉइंग्स बिकॉज उसने इसलिए दी क्योंकि आई थिंक शी थॉट दैट दे वर both they both were curious to know about her 100 dresses. मैंने about hair लिखा है, आप please her हर कर देना, sorry. ठीक है, वांडा ने मैडी और पेगी को drawings इसलिए दी क्योंकि वांडा को शायद लगता था, शायद क्योंकि कंफर्म नहीं बताया गया टेक्स्ट में कि वांडा ने उन्हें क्यों दी, तो आप इसमें एक तुक्का लगा सकते हैं कि इसलिए दी होगी क्योंकि वांडा को लगा क्या पता ये रोज मुझसे पूछ रहे तो क्यूरियस हो, ये जानने के लिए उतावले हो रहे कि मेरी 100 ड्रेसेस कैसी हैं. तो दे आस्ट अबाउट दैट 100 ड्रेसेज एवरी डे, क्योंकि उसे लगा कि रोज मेरे ड्रेसेस के बारे में पूछ रहे हो, क्या पता इन्हें मेरी ड्रेसेस अच्छी लगी हो. दे वर सरप्राइज बिकॉज दे डिड दैट इन ऑर्डर टू टीजर, और वो सरप्राइज इसलिए थे क्योंकि वो रोज क्यों पूछते थे, क्योंकि उसे चिढ़ाने के लिए, जबकि वांडा को क्या लगा कि इन्हें मेरी ड्रेसेज में दिलचस्पी है. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, या आपका कोई और ओपिनियन हो तो प्लीज शेयर करना. अब क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर, क्या आपको लगता है कि वांडा ये सोचती थी कि वो लड़कियां उसे चिढ़ा रही है, वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं. आई थिंक वांडा डिडंट न्यू, आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है. आई थिंक वांडा न्यू या फिर वांडा डिडंट न्यू, जैसे जैसे आपको अपना ओपिनियन लगता है. एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब आप इसमें लिख सकते हैं वांडा डिडंट या फिर डिड नो, और फिर आगे लिखिए कि वांडा को पता क्यों नहीं था या फिर क्यों था, और मेरे ओपिनियन से आई थिंक वांडा डिडंट नो.
आई थिंक वांडा डेंट नो, मुझे लगता है वांडा को पता नहीं था कि वो उसे चिढ़ा रहे थे। एज शी नेवर आस्ट देम टू स्टॉप, क्योंकि वांडा ने कभी उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा। शी थॉट दैट, वांडा को शायद लगा कि वो उसे उसकी स्केचेस के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपका कोई और आंसर हो तो प्लीज़ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।